नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों की तरफ। भारतीय किसान संघ का सिरवानी द्वारा भगवान बलराम जयंती दिन बुधवार को बजरंग चौराहा स्थित मंगल भगवान पर मनाई गई। सर्वप्रथम भारत माता भगवान बलराम के चित्र पर पूजा अर्चना कर माल्यार्पण किया गया। इसके पश्चात भारतीय किसान संघ के जिला उपाध्यक्ष राघवेंद्र रावत ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि आज किसान की स्थिति बहुत ही गंभीर बनी हुई है। किसानों को न तो पर्याप्त बिजली मिल रही है और न ही किसानों को अभी तक बीमा की रकम मिल पाई है। किसान संघ के अन्य पदाधिकारियों ने भी किसानों के हितों में अपनी बात रखी। कार्यक्रम में ओम प्रकाश रावत, लखन रघुवंशी, मोहन मुरारी रघुवंशी, महिपाल राजपूत, मनोज क्षेत्र संदीप रघु, लीलाधार प्रजापति एवं मीडिया प्रभारी मनोज क्षेत्र एवं बड़ी संख्या में भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी एवं किसान मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन महेंद्र गोवंशी ने किया। कार्यक्रम समिति के बाद सभी किसान भाई एवं पदाधिकारी बड़ी संख्या में तहसील प्रांगण पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं जिला कलेक्टर के नाम SDM संघ मित्र बौद्ध को ज्ञापन सौंपा। क्या नाम है आपका? मैं ओम प्रकाश रावत, ब्लॉक अध्यक्ष भारतीय किसान संघ सिलवानी। सभी किसान भाइयों को बलराम जयंती की हार्दिक शुभकामना देता हूं। क्या कार्यक्रम रहा आपका आज? आज हमारा बलराम जयंती का कार्यक्रम था और उसके बाद हमने, क्योंकि ज्ञापन दिवस रहता है आज हमारा पूर्व प्रदेश में, तो हमने SDM महोदय को भारत सरकार प्रधानमंत्री जी के नाम से, मुख्यमंत्री के नाम से एवं जिला कलेक्टर के महोदय के नाम से ज्ञापन दिया है। आज भारतीय किसान संघ का कार्यक्रम रहा? भारतीय किसान संघ का बलराम जयंती मनाई है। आज सभी ग्रामवासियों को, किसानों को बलराम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्या कार्यक्रम होगा इसके अलावा? आज भारतीय किसान संघ का एक बलराम दिवस था, बलराम जयंती मनाई और इसके बाद हमारा ज्ञापन कार्यक्रम था। वर्ष में एक बार ज्ञापन दिवस मनाते हैं, तो आज हम लोगों ने जो भी वर्ष की समस्याएं होती हैं उनके ऊपर शासन प्रशासन को अवगत कराया। भारतीय किसान संघ में आप किस पद पे हैं? भारतीय किसान संघ में मैं भारतीय किसान संघ जिला उपाध्यक्ष के दायित्व में